आज डिस्कस करेंगे वर्टिकल होनिंग मशीन के बारे में। जो वर्टिकल होनिंग मशीन होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करती है। तो वर्टिकल होनिंग मशीन का क्या मतलब है, जो इसके अंदर स्पिंडल की पोजीशन होगी, जो स्पिंडल लगा होगा और जिसके ऊपर कह सकते हैं हम टूल लगा होगा, जिसको हम होनिंग टूल बोलते हैं, वो वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से लगा होगा, जो स्पिंडल की डायरेक्शन होगी वर्टिकल होगी और उसके साथ जो टूल लगा होगा वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होगा। तो इसलिए इसको वर्टिकल होनिंग मशीन बोला जाता है। तो ये वर्टिकल होनिंग टूल को ये कैरी करती है और वर्क करती है, तो इसलिए इसे वर्टिकल होनिंग मशीन बोला जाता है। तो होनिंग है क्या चीज़? होनिंग एक तरह की एब्रेडिंग प्रोसेस है, एब्रेडिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या एब्रेसिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम होनिंग टूल बोलते हैं, जिसके तीनों तरफ या चारों तरफ एक जो सिलेंड्रिकल टाइप होता है उसके चारों तरफ क्या है, इस तरह के एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं। ये इस तरह के एब्रेसिव पार्टिकल लगे होते हैं। ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोई भी आप एब्रेसिव पार्टिकल चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली हम चूज करते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड चूज कर सकते हैं या सिलिकॉन कार्बाइड यूज कर सकते हैं, बोरोन नाइट्राइड यूज कर सकते हैं, डायमंड यूज कर सकते हैं, इनके मिक्सचर को आप यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ भी जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो आप किसी चीज़ का भी मिक्सचर बना सकते हैं या चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो एब्रेसिव पार्टिकल का जो ये टूल बना होता है, तो ये टूल रोटेट करता है एक तो, और रेसिप्रोकेट करता है, अप और डाउन भी चलता है और रोटेट भी करता है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई इस तरह का इंजन का कोई सिलेंडर हेड है, जो हमारे बोर होते हैं जिनको जिनके अंदर जब टूल के कुछ निशान रह गए मान लीजिए इनको बनाते टाइम, तो इनको रिमूव करने के लिए एक तरह की ये फिनिशिंग प्रोसेस है, जो एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेसी से भी अच्छी, जो प्रिसाइज हमें जो फिनिशिंग है वो देती है ये। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इंजन सिलेंडर के ब्लॉक हो गए, बोर हो गए, उनको फिनिशिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। अब जो एब्रेसिव पार्टिकल के साथ साथ इसके अंदर कटिंग फ्लूड का भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम कूलेंट भी इसके अंदर बोल सकते हैं, कूलेंट, और उसको लुब्रिकेंट भी हम बोल सकते हैं। तो इसको हम कटिंग फ्लूड बोलते हैं। तो ये जो कटिंग फ्लूड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये किसी भी ऑयल का बना हो सकता है, प्लस इसके अंदर हम किरोसिन का यूज़ करते हैं, ऑयल प्लस किरोसिन का भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई भी जेल आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह की जो जेल्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप किसी भी तरह के कूलेंट का या कटिंग फ्लूड का यूज़ कर सकते हैं। तो जेल का, किरोसिन प्लस ऑयल का, या फिर ऑयल का ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, कूलेंट प्रोवाइड करना मीन्स कूलिंग प्रोवाइड करना ड्यूरिंग प्रोसेस, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना कि स्मूथली जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करें पार्टिकल्स को, तो एक अच्छी फिनिशिंग दें। तो वर्टिकल होनिंग जो मशीन है वो इस तरह से काम करती है। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले होता है, इसके सबसे नीचे लगा होता है बेस। बेस क्या करता है, जो पूरी मटेरियल, जो पूरी मशीन है उसका मटेरियल है, उसका जो वेट है उसको कैरी करता है। तो जो बेस होता है वो एक तरह का रिजिड बेस हम चूज करते हैं, तो कोई रिजिड होना चाहिए। लगभग जो ऑल मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, जिस तरह बेस हो गया, कॉलम हो गया, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं। तो बेस क्या है, जो पूरी मशीन का वेट को कैरी करेगा, उसकी जो वाइब्रेशन होगी उसको कैरी करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा अर्थ के अंदर। तो बेस अकॉर्डिंग तो उसके चूज किया जाता है। तो बेस के साथ ही लगा होता है कॉलम, ये है कॉलम। कॉलम के अंदर हमारा जो भी ड्राइव मैकेनिज्म होता है, मोटर, पुलीज, गियर सिस्टम, बेल्ट्स, जो भी होगा वो कॉलम के अंदर होता है। तो कॉलम एक तरह की हाउसिंग होती है, जो सारे ड्राइव मैकेनिज्म या उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इसके अंदर होती हैं, कॉलम के अंदर। उसके ऊपर यहाँ पे लगी है, ये एक सपोर्ट है, जो अवर आर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे ये है टेबल, ये है टेबल, ये टेबल है जिसके ऊपर लगा है फिक्सचर। फिक्सचर का क्या काम होता है, फिक्सचर का काम होता है वर्क पीस को होल्ड करना। तो इसको देखिए, ये टेबल है, टेबल यहाँ एलिवेटिंग स्क्रू से अटैच है। एलिवेटिंग स्क्रू क्या काम करता है, इस टेबल को अप और डाउन करने का काम करता है।
कॉलम के बिल्कुल सामने ये लगी होती है गाइड वेज। इसको मैं GW से दिखा देता हूँ। गाइड वेज मतलब इसके अंदर गाइड्स दी हैं जहाँ पे ये टेबल मूव करती है अप और डाउन। एलिवेटिंग स्क्रू इसको अप और डाउन करने में हेल्प करता है। और टेबल के ऊपर लगा होता है फिक्सचर। फिक्सचर हमारा क्या काम करता है, वर्क पीस को फिक्स करता है वर्क करने के लिए। अब इतनी जो पोर्शन है वो हमने समझ ली, ऊपर चलते हैं। ये है स्पिंडल हेड, इसको बोलते हैं स्पिंडल हेड। ये क्या करता है, स्पिंडल को कैरी करता है। ये है स्पिंडल, ये है स्पिंडल। स्पिंडल क्या काम करेगा, रोटेट करता है। तो स्पिंडल हेड क्या है, अप और डाउन मोशन यहाँ पे ले सकता है। ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है, जो स्पिंडल हेड है हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है, तो अप और डाउन ये चल सकता है। ये किस तरह से काम करता है, जैसे स्लोटर मशीन के अंदर हमारा वो स्लोटर का जो टूल है वो काम करता है, आगे पीछे जाता है, इसमें अप और डाउन जाता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है अप और डाउन जाने की, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। यहाँ पे ये सपोर्ट लगी होती है, जो हम इसको कैरिएज, कैरिएज सपोर्ट बोल देते हैं। कैरिएज सपोर्ट मतलब जो ये स्पिंडल होता है हमारा, अगर हम स्पिंडल के आगे कुछ अटैचमेंट यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई आर्बर या मैंड्रिल यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट भी कई बार इसके बीच में लगा देते हैं, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। और ये लगा होता है होनिंग टूल, इसको हम बोलते हैं होनिंग टूल, या फिर होन टूल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये होनिंग टूल्स के आगे लगा होता है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वर्किंग के दौरान इसके बेंडिंग के चांसेस रहते हैं। तो बेंडिंग के चांसेस को बचाने के लिए इसको ये कैरियर सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, ताकि ये बेंड ना हो। तो ये जैसे जैसे अप और डाउन मोशन करता है, तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये बेंड ना हो। अब क्या होगा, जैसे ही मशीन को ऑन किया जाएगा, तो ये जो टूल है ये रोटेट भी करेगा और रेसिप्रोकेट भी करेगा इसकी हेल्प से। तो अप और डाउन मोशन भी होगा, रेसिप्रोकेट मोशन भी होगा, और कटिंग फ्लूड भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा, जो ये कटिंग फ्लूड है। तो इस वर्क पीस के जो इंटरनल जो बोर्स, जैसे ये बोर हमने लिया है एक एग्जांपल, तो इंटरनल उसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग कर दी जाएगी। और एक अच्छी फिनिशिंग, अच्छे डायमेंशन में आने के बाद, जो प्रॉपर प्रिसाइज डायमेंशन में आने के बाद, प्रिसाइज फिनिशिंग में आने के बाद उसको उतार लिया जाता है। तो इस तरह से वर्टिकल जो होनिंग मशीन है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी वर्टिकल होनिंग मशीन और उसके कुछ पार्ट्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।